सिकल सेल एनीमिया की जो स्टोरी अभी मैंने जो किया है, पहले मुझे लगता था कि ये आम कोई बीमारी है। हालांकि मालूम था कि खून के कमी के कारण कई प्रकार की परेशानी पीड़ित को होता है। आज 17 अगस्त के बाद से मेरी बेटी को इसी के वजह से परेशानी हो रहा है। कभी अचानक उल्टी आ जाना, कभी अचानक सिर में इतना दर्द बढ़ जाती है, कभी चक्कर आ जाना, इस तरह से लगातार जो परेशानी हुआ है, जिसके कारण मेरी बेटी आज 4 महीना से स्कूल नहीं जा रही है। मेरा तबीयत खराब 17 अगस्त तक को हुआ। अचानक उल्टी दस्त से शुरुआत हुआ और आज 18 दिसंबर है, लेकिन आज भी मेरा तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन जैसे किशन हॉस्पिटल, यूनाइटेड हॉस्पिटल, दिल्ली आसरा के शहीद हॉस्पिटल, वहाँ के ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत सुधार आया है और मैं बीच बीच में आयुर्वेदिक गोलियाँ भी लेते रहती हूँ। इस वीडियो को करते समय मुझे बार बार ध्यान में आ रहा था कि मैं पिछले साल जो 2 वीडियो जो बनाई हूँ और उन परिवार से मिली थी, तब वो परिवार मुझे बताते थे और पीड़ित व्यक्ति भी मुझे बताया इस तरह से परेशानी होती है, तो मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन आज मेरी बेटी के ऊपर ये सारा चीज़ होना शुरू हुआ, तब मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में ये बहुत बड़ा बीमारी है, छोटा मोटा बीमारी नहीं है, जिसके चलते हमेशा इनको सावधानी बरतना होगा। और सरकार के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कंटिन्यू इसको खा करके ठीक किया जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि सरकार के तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया में कमी आए। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।